हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने एसडी यादव बुक की ओर। उससे हम सॉल्व कर रहे हैं परसेंटेज, जिसके 40 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको सिंपल तरीके से सभी बुक्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और एसडी यादव के हमने अभी परसेंटेज से स्टार्ट किया, 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर, 41 से इस वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिएगा मैथ स्पेशल क्लासेस के साथ और अपने डाउट्स भी क्लियर कर लीजिएगा। तो चलते हैं फिर हम अपने 41 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है आपकी स्क्रीन पर है। किसी वर्ग की एक भुजा को जिसकी भुजा को 30% बढ़ा दी गई, तो उसके क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए, अब क्षेत्रफल उतना ही रखना है तो दूसरी भुजा को कितनी घटानी होगी। देखो भाई, एक बात बताओ, एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, वर्ग की भुजा का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं बात करूं एरिया की, तो ए स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे एरिया की बात नहीं की, सिर्फ एक भुजा को 30% बढ़ाया गया। कितना? 30%। सबसे पहले 30% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो 30% कितना हो जाएगा, बट्टे में 100 आएगा, एक जीरो कट जाएगा, तो 3/10 लिख लूँ, ठीक है। अब बढ़ाने की बात बोली तो प्लस करेंगे, कम की बात बोलेगा तो माइनस करेंगे, तो क्वेश्चन ने बोला 30% बढ़ा दिया तो प्लस कर दीजिए। तो 10 से किसी एक वर्ग की पहले भुजा थी 10, अब वो जो है एक साइड हो गई उसकी 13, तो भाई 13 हो गई, कितना बढ़ गया, 3। अब इसे दोबारा कम करना है दूसरी भुजा को, मतलब एक तरह से जितना बढ़ाया अगर मैं उतना कम कर दूं, लेकिन कम कितने में से होगा, जो बढ़ चुका है उस मूल्य में से होगा, मतलब उस वैल्यू में, तो वैल्यू में से होगा जो कि बढ़ चुकी है पहले से। जैसे कि मैं एक बात बोली, जैसे कि 100 रुपये पर अगर मैंने वृद्धि करके 120 कर दी, अब इसे अगर इससे मैं दोबारा वापस ले जाऊंगा 100 पे, दोबारा वापस ले जाऊंगा 100 पर, तो 20 की कमी मुझे 120 पर ही करनी होगी, ना कि 100 पे। कमी करेंगे तो 120 पे। अब यहां से दोबारा वापस जाना है, तो दोबारा वापस जाना है मुझे 10 बनाना है, तो भाई 10 पहले जितना ही रखने के लिए कितने की कमी कर दूं, 3 की, लेकिन कितने पे होगी भाई, 13 पे होगी, इंटू करेंगे 100 का प्रतिशत के लिए, फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, सब आप परसेंटेज के क्वेश्चन इस मेथड से अप्लाई कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो यहां पे हम देखें तो कितना हो जाएगा, 300/13। अब 300/13 को अगर मैं क्रॉस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 13 से 13 दुनी 26, 26 गए इसमें से, बचे कितने, 4, तो 13 * 39, बचे कितने, 1, बट्टे में कितना है, 13, तो 23 से ही 1/13% हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, जल्दी से नोट कीजिएगा। इंक डाल लेता हूं मैं, एक मिनट। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की ओर, ठीक है। सिंपल बेसिस कैलकुलेट करेंगे, कुछ याद करने की, कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, आराम से बिंदास वीडियो देखो और परफेक्ट हो जाओ। चलते हैं फिर हम अपने 42 की ओर, 42 में क्या दिया हुआ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी वृत्त के व्यास बराबर होता है, यहाँ पे इस केस में परसेंटेज के केस में क्या होगा, त्रिज्या के बराबर होगा, याद रखना। तो इसमें 100% की वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल में सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई आर स्क्वायर होने के बाद में देखो, यहाँ पे जो है, जो व्यास दिया है, डायमीटर दिया है, वो बराबर होगा रेडियस के, ठीक है। अगर मैं डायमीटर में इंक्रीज करता हूँ तो ऑटोमेटिक वहाँ रेडियस में भी इंक्रीज होती है, मतलब ये किसी भी सर्कल का एक जो है डायमीटर है, अगर मैं इसमें इंक्रीज करूं, इसमें इधर इतना बढ़ाया तो दोनों साइड में इक्वल होगा, तो कहीं ना कहीं रेडियस भी इंक्रीज हो रही, तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि रेडियस बराबर होगा किसके, त्रिज्या के। तो हम त्रिज्या मतलब रेडियस को मान कर ही चलते हैं,
डायमीटर इक्वल। अब इसके बाद में इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ पे कांस्टेंट होता है, पाई से कोई मतलब नहीं है, जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है उससे मतलब होता है। तो आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी वृद्धि कर रहे हैं, 100% की वृद्धि। आर की पावर 2 है तो 2 बार करेंगे, 100% होता कितना है भाई, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 100% कितना हो जाएगा, 1/1, क्यों, बट्टे में 100 आएगा तो 0 कट गई तो ये कट जाएंगे। अब जो है इसमें वृद्धि कर रहे हैं तो 1 से कितनी हो रही भाई, 2, 1 से कितनी हो रही भाई, 2, क्यों, क्योंकि 1 तो नीचे वाला ये है, 1 में 1 जोड़ दिया तो 2 ही तो हो गया, लेकिन ये 2 बार क्यों लिखा सर, क्योंकि आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब होता है 2 times, आर इन टू आर ही तो होगा, तो आर इन टू आर होगा तो 2 times लिख लेंगे। सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 2 2 4, कितने की वृद्धि होगी, 3 की वृद्धि, कितने पे, 1 पे इंटू करेंगे 100 का, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 300% करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज। चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, 43 में क्या दिया हुआ है। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा मतलब दो गुना, ठीक है, दोहरा मतलब दो गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन ने हमें सीधे सीधे बोला वर्ग के प्रत्येक कोर को मतलब दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, ए स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया होता है ए स्क्वायर, दोगुना कर रहे हैं तो भाई एक मैंने मान लिया, एक का दोगुना कर दिया, एक का दोगुना कर दिया भाई, एक से दोगुना दोगुना हो गया, एक 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 हो गया, दो दुनी चार हो गया, कितने की वृद्धि, 3 की वृद्धि, कितने पे, एक के पे इंटू करेंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा, 300% हमारा ये क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर होगा। इसका भी 300%, इसका भी 300%, ठीक है। यहाँ पे लेकिन 100% की वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे दुगुना हो रहा है, कहने को ये भी 100% इंक्रीज हो रहा है लेकिन ये क्या है, ये हमारा दुगुना किया जा रहा है, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। तो 300% मतलब आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, जल्दी से नोट कीजिएगा। और प्लीज सॉल्यूशन आप अपने हाथ से एक बार तो जरूर लिखिए, अगर मेरी राय माने, अगर आपको परफेक्ट सीखना है तो आपको जो अपने हाथों से प्रैक्टिस तो करनी होगी, ठीक है। चलते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा क्या दिया हुआ, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 20 और 15 मीटर है। अगर इसने प्रतिशत में आंसर पूछा होगा तो यहां पर जो है इनका कोई रोल नहीं होता, याद रखना परसेंटेज में वैल्यूज हम रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हैं, परसेंटेज हमें वैल्यू का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर यदि लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए, दोनों इंक्रीज हो रही है, 20% और जो है 30% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो सबसे पहली बात करूं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अगर आयत की बात करूं तो L इंटू बी मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसके बाद L में इंक्रीज कितने को बोला है, L में बोला है हमें 20%, तो 20% सबसे पहले होता कितना है, 20% होता है जी 1/5, अगर मैं 1/5 वृद्धि करूंगा तो 5 से कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट बोला है चौड़ाई में 30% बढ़ा दिया जाए, तो चौड़ाई मतलब 30% होगी, 30% कितना होता है भाई 3/10 होता है। अब इसमें भी वृद्धि बोली तो 10 से कितना हो जाएगा जी 13। सिंपली यहाँ पे अगर आप क्रॉसिंग में काटना चाहते हो तो काट सकते हो 2, 3 या 6, और अगर नहीं काट पाते हो तो अभी कोई इफेक्ट नहीं है। 2 5 10 ये कितना हो गया 5 25 हो गया, 13 3 39 हो गया, कितने की वृद्धि होगी यहाँ पे हम सिंपली अगर देखेंगे 25 30 9 14 की वृद्धि होगी, 14 की वृद्धि कितने पे 25 पे इंटू करेंगे 100 का, तो 14 25 4 100 14 4 56%, तो 56% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और जो कि हमें ऑप्शन नंबर देखने को मिल जाएगा 4th में मतलब डी में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और आप इस वे से आसानी से कर सकते हो, बस आपको पता हो कि कहाँ पे कैसे लगाना है। फटाफट से नोट कीजिएगा, ओके, फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 44 की 45 की ओर, ठीक है।
एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी गई तो इसके क्षेत्रफल में, भाई वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है जी, ए स्क्वायर। अभी होता है ना, अभी हमने देखा कि ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, तो इसमें दो बार करेंगे, पावर जितनी होती है उतनी बार करते। अगर यहाँ पे एल के ऊपर स्क्वायर होता ना तो एल वाली वैल्यू दो बार लिखी जाती, अगर यहाँ पे बी के ऊपर तीन बार अगर क्यू लगा रहता तो तीन बार करते घन के केस में, ठीक है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू जो है दो बार लिखनी है, तो कितना बोला है वर्ग में देखें तो 10% बढ़ा दी गई। 10% होता कितना, सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए, तो 10% होता 1/10। और हाँ, अगर आप लोगों ने परसेंटेज की फ्रैक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको फर्स्ट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी सिंपल परफेक्ट तरीके से, ठीक है, उसे जरूर देख लीजिएगा। तो 10% है, प्लस करेंगे तो 10 से कितना हो जाएगा जी, 10 से 11 हो जाएगा, लेकिन हम देखो दो बार करेंगे, क्यों दो बार जी, दो बार इसलिए जी ए स्क्वायर है इसलिए, तो 10 कितना हो जाएगा 100, 11 कितना हो जाएगा 121, कितने की वृद्धि 21 की वृद्धि, कितने पर 100 पे, इंटू करेंगे 100 का, तो 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कौन 21%, और ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, 21% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके जल्दी से नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बोला यदि एक गोलक की त्रिज्या, एक गोला है स्फीयर जिसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी गई तो उसके आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहली बात, यहाँ पर गोले की बात की जाए तो गोले की जो वॉल्यूम है वो कितना होता है 3/4 πr³, 3/4 πr³ होता 50% की वृद्धि। अब यहाँ पर गोले की वॉल्यूम की बात करें तो कितना होता है 3/4 πr³। अब यहाँ पे देखो हमें देख क्या रखा है, क्वेश्चन ध्यान से देखना, एक गोले की त्रिज्या में, भाई त्रिज्या से काम है बाकी तो सब हटा दो जी, इनसे कोई मतलब नहीं है, और त्रिज्या की पावर है 3, तो उस चीज को 3 बार लिख लेंगे आंसर आ जाएगा, तो कितना बोला 50%। तो 50% की अगर मैं बात करूं तो 50% कितना होता है 1/2 होता है, 50% मतलब वृद्धि हो रही है कमी, ये देख लीजिएगा वृद्धि हो रही है तो प्लस कर लेंगे, तो 2 में 1 जोड़ दूं तो 2 से हो जाएगा कितना 3, लेकिन 3 बार लिखेंगे पावर है 3, मैंने अभी बताया कि पावर जितनी होती है उतनी बार लिखते हैं, तो 2 से दोबारा कितना कर देंगे 3 कर देंगे, दोबारा कितना कर देंगे 2 से 3 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 2 × 4 × 8 हो जाएगा, ये कितना 9 होती है 27 हो जाएगा, सिंपली कितने की वृद्धि होगी 19 की वृद्धि होगी, कितने पे होगी 8 पे होगी, इंटू करेंगे 100 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखते हैं 4 से काट रहे थे 4 × 8 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25 नंबर 225 की 5 22 कैरी 25 से कम 25 और ऐड कर लेंगे 5 × 2 = 7 हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा। अब ये हुआ 475 नीचे कितना हुआ है 4 × 8 2 बचा हुआ है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 4 2 × 3 = 6 2 × 7 = 14.5%, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा 237.5, जो कि हमें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर है हमारा 237.546 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है 237 बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि आर क्यू जो है आर क्यू 3 बार लिखा जाता है और 3 बार लिखने के बाद में 237.5% हमारा निकल के आ जाता है, अगर पावर में 2 होता तो घन के केस में जब भी होता है 3D फिगर तो उस केस में हमारी पावर बनती है क्यू, देखते हैं ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। चलते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 47 की ओर, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, ऑप्शन है परसेंटेज में, ऑप्शन है परसेंटेज में, तो हमें पता है कि जो घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जा रहा है और उसका आयतन पूछा जा रहा है, तो घन का अगर मैं आयतन की बात करूं तो आयतन कितना होता है वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है ए क्यू, कितना होता है घन है 3D फिगर है तो उसमें क्या हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा, 10% बढ़ा दी जा रही है तो 10% बढ़ा दी जा रही है तो 10% होता कितना है भाई 10% होता है 1/10, ये सारी चीजें मैंने बेसिक वाली वीडियो में बता दी है आप लोग देख सकते हो, 10% होता है 10% बढ़ा दी गई तो 10 से कितना हो गया जी 11 हो गया, कितनी बार करेंगे जी 3 बार करेंगे 10 से 11, फिर दोबारा 10 से कितना करेंगे जी 11 करेंगे, सिंपली 10 10 10 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 11 के क्यू कितना 1331 होता है, सिंपली कितने की वृद्धि 1000 से 1331 हो गया तो 331 की वृद्धि होगी, कितने पे 1000 पे, इंटू करेंगे 100 का परसेंटेज के लिए, फाइनली 20 से 20 कट गई, 10 से 1 पॉइंट लगा दो ना तो कितना आ जाएगा यहां से 33.1% हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा,
समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप से आप कर सकते हो। देखो जब भी कभी 3D फिगर आता है तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, उस केसेस में हमारा क्यू बनता है, ठीक है। और अगर 2D की बात की जाए तो उस केस में स्क्वायर ईग होता है। मतलब ये अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब भी कभी आपको लगे 3D है तो उस केस में आप 3 टाइम्स करेंगे, और अगर 2D आता है तो उस केस में आप 2 बार करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है क्वेश्चन किस टाइप से, किस लैंग्वेज से बोल रहा है, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। चलते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 48 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं, 48 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 48 की ओर देखते हैं, ठीक है। 48 ध्यान से देखिए, यदि एक सिलेंडर, अब यहां पे सिलेंडर आ गया भाई, घर में बहुत सारे देखे, अब पढ़ाई में भी देख लेते हैं। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए, ठीक है, 50% कितना होता है, त्रिज्या की बात की गई तो आर कितनी हो रही, 50% कम, 50% कितनी होती है भाई, 1/2, कम कर रहे हैं माइनस कर देंगे, आगे बोला है क्वेश्चन ने। और उसकी ऊंचाई, हाइट की अगर बात की जाए तो एच में जो है 50% ही बढ़ा दी जा रही है, 50% कितना होता है, 1/2, लेकिन ये बढ़ा दी जा रही है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिलेंडर की, तो आगे क्वेश्चन ने बोला तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा, तो इसका आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई तो भाई कॉन्स्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आर हमें दिए, एच भी दिए, अब एच की पावर तो है नहीं बिल्कुल, आर की पावर 2 है, तो आर की पावर 2 का मतलब क्या, आर लिखा जाएगा 2 बार लिखा जाएगा और एच जो है 1 बार लिखा जाएगा। तो आर स्क्वायर मतलब 2 से कितना हो जाएगा भाई, 2 में से 1 घटाओ जी कितना हो गया, कमी हो रही है। फर्स्ट केस में देखना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 50% कम कर रहा है फिर 50% बढ़ा रहा है ऊंचाई को, तो कम करेंगे 2 से 1 करेंगे, ठीक है, 2 में से 1, फिर 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, लेकिन ये तो 2 बार हो गया, ये तो आर स्क्वायर की बात होगी। अब एच भी तो है, तो एच है तो 2 से कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, फाइनली मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा, 2 × 4, 4 × 8 हो गया, 3 × 1 = 3 हो गया, कितने की कमी होगी भाई, 5 की कमी होगी, कितने पे होगी, 8 पे, इंटू कर देंगे 100 का, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, देख लेते कितना आता है, 4 से काटेंगे 4 × 8, 4 से इसे काटेंगे 4 से 25, 25 पंजे 125, तो 125 बट्टे कितना हो जाएगा 2, 125 बट्टे 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 × 12, 2 × 4.5, तो 62.5% हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और आप सिंपल तरीके से इस तरीके से कर सकते हो सारे क्वेश्चन, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। चलो क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं, 49 में क्या दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। यदि एक गोले की त्रिज्या, एक गोला आ गया, दोबारा स्पेयर आ गया, उसकी त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसके आयतन में वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो इसका अभी हमने देखा था एक गोले की जो त्रिज्या है, इसका जो सेम क्वेश्चन था अभी हमने देखा था ऊपर की साइड में, 46 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 2 copy है, यहाँ पे सिर्फ दुगना करने को बोला, वहाँ पे 50% बोल दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आयतन की अगर मैं बात करूँ तो 3/4 πr³ होगा, 3/4 π तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर जो है वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4 π तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे आर क्यू का रोल है, ये तो कॉन्स्टेंट है, इनका कोई रोल नहीं, 3D फिगर है, क्यू का मतलब है, तो आर की बात की गई है, कितना त्रिज्या को दुगना कर रहे हैं, मतलब 1 से कितना कर रहे हैं भाई, 2 गुना, तो 1 से दुगना कर दो, दोबारा बोल रहा है 1 से 2 गुना कर दो भाई, एक बार और बोल रहा है 1 से कर दो भाई दुगना, क्यों कर दिया मैंने 3 बार, क्योंकि आर की पावर कितनी है, 3, अगर 4 होती तो 4 बार, 10 होती तो 10 बार, ठीक है, 1 में मल्टीप्लाई 1 में 1 हो जाएगा, 2 × 2 = 8 हो जाएगा, और सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, अंतर देखेंगे तो कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया, कितने पे, 1 पे, इंटू करेंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा जी, 700%, कितना, 700 हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा, 700% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वॉल्यूम जो इक्वल टू होता है 3/4 πr³ होता है, लेकिन हमें 3/4 π से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ हमें जो चीज़ बढ़ाने को बोली है उससे वैल्यू से मतलब होता है, समझ के फटाफट से नोट कर लीजिएगा। तो आप भी इस टाइप का पैटर्न फॉलो करें जिसमें टाइम ना लगे और एक ही चीज़ से सारे क्वेश्चन हो जाए,
तो आप देख सकते हो कि मैं ज़्यादातर मोस्टली केसेस में बस यही कर रहा हूँ, 4 से 5 और 1 से 2। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे सिर्फ इतना बोलूँगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, अगर आप एसडी यादव कंटिन्यू रखना चाहते हो तो। ठीक है, तो सिर्फ आपके लिए ये मैं करा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे पास कॉल करके बोला, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, सिंपल तरीके से एकदम परफेक्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया हुआ है, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करते हैं। 20% खर्च करते हैं, यहाँ पे देखें तो 20% भाई होता कितना है। अब आप बोलोगे सर इसे ऐसे नहीं करना, चलो तो हम 2-3 मेथड से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 20% कितना होता है, 1/5 होता है भाई, 5 में से 1 खर्च कर दिया, 5 में से 1 खर्च कर दिया श्रीमान ने मकान के किराए पर, तो उसके पास बचे कितने होंगे, 5 में से बचे कितने होंगे, 4। ये क्या है, उसकी बचत है। ठीक है, और ये इसकी क्या है, इनकम है। मतलब 5 रुपए थे, 5 में से 1 खर्च कर दिया, तो बचा कितना होगा, 4 बचा होगा 20 में से। अब आगे देखते हो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेष का 70% घरेलू मतों पर, 70% की फ्रैक्शन वैल्यू की अगर बात करें तो 70% कितना होगा, 7/10 होगा। अगर 70% 10 में से 7 खर्च कर दिए भाई, 10 में से 7 खर्च कर दिए, 10 में से घरेलू मतों पे 7 खर्च कर दिए, क्योंकि 70% ही तो खर्च कर रहा है, तो 10 का 70% 7 होता है, तो बचे कितने होंगे, 3। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर ले, 5 × 2 = 50 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दे क्या रखा है, इनमें से एक वैल्यू दे रखी होगी, और क्या दे रखी होती है, वो हमेशा बचत दे रखी होती है। तो क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें बचत दे रखी है कितनी, 18,000 रुपये। तो 12 रेशियो का मान कितना दिया, 1800 रुपये। 1 का मान निकालेंगे तो 12 जाएगा बट्टे में, कैलकुलेट कर लेते, 6×3 = 1800 हो गया, 6×2 = 12, 2 से काटेंगे 150 हो गया, तो 1 रेशियो का मान कितना आ गया, 150। 1 का मान आ गया 150, तो 50 का वैल्यू निकाल सकते हैं, 50 क्या है मेरी आय है, इनकम। तो 150 का मल्टीप्लाई 15×5 = 75, 2 0 की 2 0, तो 7500 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली उसकी इनकम हो जाएगी। समझ गए, तो आपको ये मेथड आज उम्मीद करता हूँ शायद फर्स्ट टाइम देखने को मिला होगा, और अगर फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा और नॉर्मल मेथड से करते हैं, 100 मान के अगर आप कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ कि ये मेथड कब हम लगा सकते हैं, कब नहीं लगा सकते, तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जब कभी क्वेश्चन में हमसे बोला जाता है क्या सीस, जब कभी हमसे बोला जाता है पहली वैल्यू को छोड़कर हर वैल्यू हर परसेंट के बीच में शेष बोलना ज़रूरी है, तब हम इस केस को अप्लाई कर सकते हैं। शेष जब आता है ना तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, जब नॉर्मल आता है तो हम 100 से चले जाते हैं और नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन अगर शेष का 20% शेष का 25% तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वहाँ पॉइंट में भी वैल्यू चली जाती है। लेकिन उस केस में आप अगर शेष के केस में अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो टाइम भी बचेगा और परफेक्ट भी होगा। चलते फिर अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं 100 मान के, 100 में से 20 रुपये उसने खर्च कर दिए, मतलब 100 का 20% खर्च कर दिए, 100 मैंने उसकी आय मानी, शेष कितना बचा 80। अब उसने बोला 80 का मैं जो है 80 का कितना 70%, तो 80 का 70% अगर मैं निकालूंगा जो कि खर्च निकल के आएगा तो वो कितना हो जाएगा, 8×7 = 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56। मतलब ये कि उसने 56 रुपये और खर्च कर दिए, तो 50, 60, 70, 76 रुपये मिला के, टोटल मिला के कितना खर्च हो गया, 76 खर्च हो गया, 76 खर्च हो गया। अब बचा कितना होगा उसके पास, अगर मैं 100 में से बात करूं उसकी बचत की, तो वो बचत बची होगी 24, क्यों, क्योंकि 76 रुपये तो खर्च कर दिए। अब 24 रुपये बचे, और 24 की जो वैल्यू है हमें कितनी दे रखी है, 1800 रुपये, 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 1800 बट्टे आ जाएगा कितना, 24। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 6×6 = 18, 300, 6×6 = 24, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4×4 = 28, 4×5 = 20, तो 1 बराबर निकल के आया कितना, 75। 1 बराबर 75 निकल के आया, तो क्वेश्चन ने पूछा उसकी आय, तो आय कितनी मानी थी हमने, 100, तो 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे 75 का, तो 75×100 करने पे कितना हो जाएगा जी, 7500 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये नॉर्मल मेथड है, जब कभी क्वेश्चन में शेष दिया जाता है तो आप इस पैटर्न को फॉलो करें, और बिना शेष के आप इसे फॉलो करें, आप किसी से भी फॉलो करें, दोनों से परफेक्टली आंसर आ जाएगा। समझ गए, ये आपको कब लगाना है, जब हमें शेष वैल्यू दे रखी होती है।
पहली परसेंटेज को छोड़ने के बाद में बोला गया हो शेष का 20%, शेष का 10%, शेष का 50%, तो उस केस में हमें ये करना है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा प्लीज। ओके, तो फिर हम चलते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, जिससे कि एसडी यादव की नेक्स्ट वीडियो में चलते ही लेके आऊँ। चलता हूँ, बाय, टेक केयर।